सूरत में 317 करोड़ के जाली नोटों के साथ 6 लोग किए गए गिरफ्तार। बरामद किए गए रुपयों में 67 करोड़ के पुराने नोट भी बरामद किए गए, जो नोटबंदी के बाद से बैन कर दिए गए थे। आरोपियों ने कालेधन को सफेद करने के लिए ट्रस्ट कंपनी और आयोग के नाम पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने इन जाली नोटों को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए दो टीम बनाई। गुरुग्राम के सोना रोड पर एसयूवी के एक बाइक को टक्कर मारने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार एसयूवी ने एक बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक 50 फीट दूर जा गिरी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया, जिसका 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर संतोष बिहार का रहने वाला था। एमपी के मंदसौर में गरबा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर शांति भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद उन उपद्रवियों पर दोतरफा कार्रवाई की गई। पहले तो करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, फिर 3 आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बाकी लोगों पर भी कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम दबिश दे रही है। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव। ये पत्थरबाजी तुलजा माता मंदिर के पास हुई है। यहां अष्टमी के दिन गरबा का आयोजन किया गया था। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपत्ति थी। लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा बंद करने को कहा, जिसके बाद बात बढ़ी और पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी की घटना में 6 लोग घायल हैं। यहां बड़ी संख्या में जवानों की भी तैनाती की गई है। यूपी के बुलंदशहर में जम्मू तवी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक पर आए जानवर को बचाने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके बाद ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया, जिसके बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में सभी यात्री बाल बाल बच गए। इसके बाद ट्रेन को 3 घंटे 40 मिनट के बाद रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डीजी लोहिया की हत्या उनके नौकर यासिर ने की है। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यासिर व्यवहार में आक्रामक और डिप्रेशन में था। आरोपी यासिर की एक डायरी भी पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें कई इशारियां लिखी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मर्डर में टेरर एंगल से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि यासिर ने हत्या के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की। मेरठ में एक हिंदू युवक के मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दीपक त्यागी नाम के युवक की सिरकटी लाश गन्ने के खेत में मिली थी। 7 दिन बाद पुलिस ने दीपक का सिर बरामद कर लिया। इस मामले में फहमीद और आसिफ नाम के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि दीपक की हत्या मुस्लिम समुदाय की शादीशुदा लड़की के साथ अवैध संबंधों की वजह से हुई है, लेकिन त्यागी समाज और दीपक के परिजन इस खुलासे को सही नहीं मान रहे और वो दीपक को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इस प्रतिबंधित संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शाहीनबाग पुलिस थाने में पीएफआई के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। पीएफआई पर केंद्र सरकार के 5 साल का बैन लगाने के बाद से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी थानों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंगलुरु शहर के बंटवाल में एक सड़क पर पीएफआई के वापस लौटकर आने की बात लिखे जाने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। सड़क पर लिखे संदेश में आरएसएस के लिए धमकी भरा एक मैसेज भी लिखा गया था। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सड़क पर लिखे संदेश को पहले मिटाया, फिर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। तेलंगाना के वारंगल में टीआरएस नेता अरवाज नाला श्रीहरि का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को फ्री में शराब और मुर्गा बांटते दिख रहे हैं। मुर्गा और शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर को केसीआर की आम बैठक होने वाली है, जिसमें टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का ऐलान हो सकता है। इसी खुशी में राजनाला श्रीहरि लोगों को मुर्गा और शराब बांटते दिखे। यूपी के टावा में भदोही जैसी घटना सामने आई है। रामलीला पंडाल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से भगदड़ मच गई। कलाकारों, आयोजकों और दर्शकों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के वक्त रात में रामलीला मंचन की तैयारी चल रही थी। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में नवमी की पूजा की। सीएम ने कन्याओं के पैर धोए, पूजन किया, कन्याओं को टीका लगाकर उन्हें उपहार दिए। मुख्यमंत्री ने वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।